महाराणा प्रताप चौक पर विधायक सरयू राय के द्वारा सोलर लाइट का विधिवत उद्घाटन किया गया। बता दें, महाराणा प्रताप चौक के देखरेख की जिम्मेवारी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के द्वारा किया जाना तय हुआ है। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा है कि देश की धरोहर को बचाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। लाइट और सौंदर्यकरण इसकी एक कड़ी है। इस मौके पर झारखंड क्षत्रिय संघ के केंद्रीय अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने टेलकू निवासी संजय सिंह को धन्यवाद भी दिया, जिनके सौजन्य से यह कार्य संपन्न हो पाया। संघ के महासचिव नंदकिशोर कुमार सिंह, युवा अध्यक्ष रणविजय सिंह, महिला अध्यक्ष कविता परमार, संरक्षक शिव शंकर सिंह आदि मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में मौजूद। इस तरह का लाइट लगा है यहाँ प्रतिमा के सामने। हमारे देश की धरोहर और गौरव महाराणा प्रताप प्रतिमा यहाँ लगी है, इस स्थान का विशेष महत्व हो गया। तो जिन लोगों ने प्रतिमा स्थापित कराया है, इस समूह ने, इस समुदाय ने, रात में यहाँ अंधेरा न रहे, रात में भी चेतक और महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो भी यहाँ से आए जाए गए उसको दिखाई पड़े, और इस गौरवमय स्मारक को रात में भी लोग देखने से वंचित न रहें, इसलिए आज सोलर लाइट का अधिस्थापन यहाँ किया गया है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि सोलर लाइट के अधिस्थापन से इस जगह की रौनक बढ़ गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, अभी भी इसमें कुछ काम करना बाकी है, और जो समिति है, इस समिति ने भी तय किया है कि इस जगह को हम और सुंदर बनाएंगे, अधिक आकर्षक बनाएंगे, ताकि महाराणा प्रताप के गौरव के अनुरूप जमशेदपुर में इस जगह का विकास हो सके।